हमीरपुर में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर हमीरपुर के बस अड्डे के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच अधिक बरसात होने के कारण सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है और सीवरेज का ढक्कन भी ऊपर की ओर ही उठ गया है, जो वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है, जिससे बरसात के दौरान प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर हमीरपुर के बस अड्डे के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच बना सीवरेज ओवरफ्लो हो चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि सड़क के बीचों बीच सीवरेज का ढक्कन ऊपर की ओर उठा हुआ है, जिससे वाहन और राहगीरों को आने जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। बरसात में जो ढक्कन बार बार उठ रहा है सीवरेज का, गाड़ी वालों को, पैदल चलने वालों को, सबको परेशानी हो रही है। कोई भी कभी भी कोई दिक्कत चलना हो सकती है, या प्रशासन ना तो इसको इतने टाइम से ना रिपेयर कर रहा है। एक डेढ़ महीने से ऊपर हो गया इससे कार्रवाई की जाती है। ये जो सीवरेज का ढक्कन बार बार उठ रहा है, इससे कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और बार बार जो गाड़ियाँ ब्रेक लग रही है, एकदम से ब्रेक लगती है, तो कोई भी या तो गाड़ी के नीचे आ जाएगा या तो गाड़ी पलट जाएगी। अगर इसमें ऐसे समय में कोई दुर्घटना हो जाती है तो प्रशासन क्या जो दुर्घटना होती है उसके पास जाएगा, क्योंकि ये जो बार बार जो दिक्कत हो इसका तो कोई समाधान किया जाए।